अस्सलाम वालेकुम, लेडीज़ सूट स्पेशलिस्ट एहसन टेलर एड कंटेंट के हवाले से आज हमारी वीडियो है। तो एहसन भाई से जानते हैं लेडीज़ कटिंग ट्राउज़र के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है वालेकुम सलाम बैद भाई, क्या चले जी? आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन भाई, ये इस वक्त हम क्या यानी कि पीस कटिंग कर रहे हैं? ये भाई जान ये ट्राउज़र कटिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है और इसका आज आप हमें आप तरीकाकार बताएंगे कि किस तरह कटिंग होती है इसकी, कटिंग की? ज़रूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताना चाहता हूँ कि एहसन भाई माशाल्लाह कोई 4 से 5 साल का तजर्बा रखते हैं लेडीज़ स्पेशलिस्ट का, और माशाल्लाह इससे पहले भी लिबर्टी में भी काफ़ी अपना इस काम के हवाले से सर अंजाम दे चुके हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे भी ज़बरदस्त अपना सिलसिला कार चला रहे हैं। आज हम इनसे ट्राउज़र ही अभी कटिंग कर रहे हैं, तो इस हवाले से माशाल्लाह हमारे जो लेडीज़ व्यूअर्स हैं उनके लिए आज इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो एहसन भाई, अभी ये इस्त्री इसको हो रही है इस टाइम? हाँ जी, ये पहले इस्त्री लगाते हैं, कपड़ा खुल जाए, सही करा है, कोई इशू ना हो। सही आए, ठीक हो गया। यानी कि क्यों जरूरी होती है यानी कि इस्त्री, यानी कि बताएं। इस्त्री इस वजह से जरूरी होती है सर, ये बाद में जब धोते हैं कपड़े लूज हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये हम इस वजह इस्त्री मारते हैं बाद में लूज ना हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, माशाल्लाह। अब इसके क्या अब सिलसिला कार चल रहा है? ये हम निशान लगा रहे हैं। सही, ठीक है। ये किस लिए लगाए जाते हैं हसन भाई? ये ट्राउजर दे होते हैं, जितना जितना आपने साइज रखा उस हिसाब से सही निशान होते हैं। ठीक 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 हो गया सर। जी जी और ये अब कौन से, ये वाले कौन से निशान लग रहे हैं हसन भाई? ये सर ये आसन वो लग रहे हैं, नेफे के। सही हो गया, ठीक हो गया। ये आसन पे लग रहे हैं सर। सही, ठीक। ये जी लेंथ है ट्राउजर की? जी जी। कितनी आ रही है? अच्छा लेंथ लेंथ वगैरह का भी इसमें हिसाब किताब होता है? हाँ जी, सारा ही होता है सर। सही, ठीक है। ये आसन पे निशान है। अच्छा हसन भाई, ये जरा बताएं कि कटिंग करते वक्त कौन सी यानी कि एहतियाती तदाबीर जरूरी है? बस सैर लाजमी आपके जहन में होना चाहिए, जितना होना चाहिए, ठीक है। और निशान लाजमी होते हैं। सही, ठीक है। इससे बगैर ट्राउजर नहीं कर सकते, कोई कमीज भी नहीं कर सकती है। ठीक हो गया। साइज ना हो तो फिर कमीज भी नहीं कर सकते, ना ट्राउजर कर सकते। सही, ये आ रहा पहुंचे। सही, ठीक है सर। हम यहाँ से रखे 15 इंच, ये 14.5 ठीक ठीक। उसके वो जो आपने पेमाइश वगैरह कस्टमर के लिए उस वाले से आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक ठीक सही। ये हम इसका हाफ करना होता है। सही हो, ठीक हो गया। पोंचे में हाफ कर दे, फिर ये आपको लगाना, पोंचा तैयार करना होता है हमने। सही, ठीक है सर। अच्छा ये साथ साथ बताते भी रहे, ये यानी कि एक निशान आपने पहले सीधे लगाए, अब आप मुख्तलिफ तरीके से निशान लगा रहे हैं, इसके हवाले से बताएं। फ्रंट वाला हिस्सा ही है। कौन से वाला, जरा हाथ रख के बताएं। ये फ्रंट है, ठीक हो गया। अभी बैक काटनी है हमने। सही हो गया, ठीक है। ये आसन का निशान लगाया, ये पोंछे का निशान है हमारा। ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक है, देखे ये हम काटना शुरू करती है। सही, हम बैग काटने लगे, फ्रंट बिछा दिया बैग के ऊपर, ठीक है, कपड़े पे, ठीक। ये निशान लगाने लगा 3 इंच तक ज़्यादा होता है आसन में, ठीक है, बैग का, ठीक है। 2 इंच पोंछे का ज़्यादा होता है नीचे, ठीक है। बैग हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। ये हम बैग का निशान लगा रहे हैं, ये हम आसन का यहाँ से फेशियल कटिंग करते हैं, ठीक है। कौन सी कटिंग है हसन भाई? ये केशन, ठीक हो गया। टेढ़ी होती है थोड़ी सी बैक की, ये देखे, ठीक है, सीधी नहीं होती है, आसन बड़ी होती है बैक की, ठीक है। ये होती है इतना, ये बैक हम काट ही जा रहे हैं, ये देखे, हसन भाई। अभी ये कौन सी कटिंग यानी कि हो रही है, बैक की हो रही है? ये बैक की कर दी है मैंने पूरे, ठीक है, ठीक है। ये बैग काट दी हमने,
ठीक हो गया। अब ये इसका क्या करना है? कुछ नहीं, बस काटी है। अब ये दिखाएं जो कटिंग हुई हुई है दोनों, जरा एक दफा जरा दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, मेहरबानी कीजिए। ये कौन सी वाली है ये जरा बताएं भी साथ साथ। ये फ्रंट है। अच्छा, ये बैक है। बैक हो गया, जो फ्रंट है एक दफा लटाइएगा इस साइड पे, इस तरह करके इस साइड पे। ये देखें, ये फ्रंट छोटा था, बैक बड़ी होती है। ठीक हो गया। अब इसका आप यानी कि बनाएंगे इसको, जोड़ वगैरह लगाएंगे। जोड़ दे, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया।